और बहनों, कार निकोबार में जीवन और आसान हो, आप सभी को बेहतर सुविधाएं मिले, अवसर मिले, इसके लिए आज करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, रोजगार से लेकर स्किल डेवलपमेंट तक, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिजली तक, स्पोर्ट्स से लेकर टूरिज्म तक के अनेक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी प्रोजेक्ट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश के विकास के लिए हमारी उस सोच का विस्तार है जिसके मूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है। सबका साथ सबका विकास, यानी विकास से देश का कोई नागरिक भी न छूटे और कोई कोना भी अछूता ना रहे, इसी भावना का ये प्रकटीकरण है। देश के विस्तृत हिस्से की दूरियां भी मिटे और दिलों में सह अस्तित्व का भाव भी मजबूत हो, इसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। बीते चार वर्षों से मेरा ये निरंतर प्रयास रहा है कि प्रधानमंत्री होने के नाते मैं खुद देश के कोने कोने में जाऊं और आप सबसे मिलकर के आपसे संवाद कर सकूं। साथियों, थोड़ी देर पहले जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है उसमें सी वॉल का प्रोजेक्ट भी शामिल है। आप सभी की ये लंबे समय से मांग थी कि मिट्टी के कटाव के चलते जो खतरा पैदा हो रहा था उससे निपटने के लिए उपाय किए जाएं। आपकी इस मांग को देखते हुए करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से सी वॉल का निर्माण यहां किया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अब इस कार्य पर तेज गति से काम होगा और जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा तो ये सी वॉल कार निकोबार के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। साथियों, सुरक्षा के साथ साथ कार निकोबार में विकास की पंचधारा बहें, बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये सभी सुविधाएं मिले इसके लिए भी काम किया जा रहा है।